जोड़ामलानी में 63वीं वृत्त स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का समापन समारोह शुक्रवार को राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाड़ी नगर में आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में विजेता रहे खिलाड़ियों को संसदीय सचिव लादूराम बिश्नोई ने सम्मानित किया। इसी तरह सिवाना कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतरडाई नाड़ी में 63वीं वृत्त स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को आगाज हुआ। प्रतियोगिता में सिवाना ब्लॉक की कुल 25 टीमें भाग ले रही हैं। उड़ामलानी से अर्जुन दर्जी और सिवाना से कमरुद्दीन की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतरडाई नाड़ी में 63वीं सिवाना वृत्त स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता में सिवाना ब्लॉक की कुल 25 टीमों के 266 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल के मुकाबले हो रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन गंगापुर सिटी के विधायक मानसिंह गुर्जन ने ध्वजारोहण कर किया। कार्यक्रम में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, बीईओ हनुमान राम चौधरी, प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण सोनी, प्रधानाचार्य गायत्री लाडला बतौर अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को खेल का महत्व समझाया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ विभिन्न मैचों में अपना दमखम दिखाया। इसी तरह 63वीं गुड़ामलानी वृत्त स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का समापन समारोह शुक्रवार को राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाड़ी नगर में आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फगोड़ियों की ढाणी गोलिया जैतमाल की टीम विजेता रही। समापन कार्यक्रम में संसदीय सचिव लादूराम बिश्नोई, भंवरलाल बिश्नोई, रावत दिलीप सिंह नगर, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमराराम बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मांझू, भैरूलाल खत्री, मुखावा सरपंच गोरखाराम, एबीईओ धनाराम भद्रू, खीम सिंह नगर, ओम प्रकाश विश्नोई ने विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।